नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है मौली देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय यूट्यूब चैनल पर। तो विद्यार्थियों, मैंने जो है वो पिछले वीडियो में आपको बताया था कि राजस्थान के जो अभिलेख हैं हम उन्हें जो है पढ़ रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अभिलेख जो है वो तो हमने पढ़ लिए। इसके अलावा अगर आज बात करते हैं तो पहला महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना गया है। यह अभिलेख जो है वह मेवाड़ वंशी राजाओं की जानकारी देगा। 1676 ईस्वी में 1676 ईस्वी में मेवाड़ में राजा महाराणा राज सिंह जो है वो शासन कर रहे थे, उनके द्वारा राज समुद या समंद झील का निर्माण करवाया गया। इस झील पर जो बांध है इसका नाम नो चौकी पाल रखा गया है। विद्यार्थियों, इतिहासकार ये बताते हैं कि नो चौकी पाल बांध का नाम है, और इसमें कुछ जो है पुस्तकों में आपको यह भी देखने को मिलेगा कि 9 सीढ़ियां हैं उतरने के लिए, और बांध जो है वह अकाल झील का निर्माण जो है वो अकाल से राहत देने हेतु करवाया गया। यह इस झी जो झील है इस झील के पार्श्व में, या आप ये भी कह सकते हैं कि बांध के पार्श्व में 25 शिलाओं पर 25 शिलाओं पर जो है यह प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई है, जिनमें से 24 जो पट्टिकाएं हैं इनमें 24 सर्गों में जो है वह मेवाड़ के इतिहास की जानकारी या महाराणाओं की जानकारी इसमें वर्णित है। ठीक है, और इतिहासकार ये बताते हैं कि लगभग 1106 के करीबन श्लोक इसमें वर्णित है। श्लोक से मतलब यह हुआ कि यह पद्य में रचित प्रशस्ति है। ठीक है, एक एक चीज को अगर आप ध्यान से पढ़ते हुए जोड़ते चलेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में जो इस प्रकार के मैटर है वह आपको याद करने में हमेशा आसानी रहेगी। तो संस्कृत भाषा में जब श्लोक से हम यहां पर श्लोक लिख रहे हैं तो तात्पर्य यह होगा कि यह है संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। अब इसके रचयिता के रूप में हम नाम देखते हैं रणछोड़ भट्ट तैलंग का। रणछोड़ भट्ट तैलंग के द्वारा यह प्रशस्ति रचित की गई है। इस प्रशस्ति में ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि मेवाड़ के महाराणा की जानकारी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। 25 शिलाओं या श्याम पट्टिकाओं पर वर्णित होने के कारण यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति के रूप में जानी गई है। बप्पा रावल से लेकर इसमें बप्पा रावल से लेकर महाराणा जगत सिंह एवं महाराणा राज सिंह की जानकारी वर्णित है। विशिष्ट बात यह है कि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के प्रथम विवाह जो
जो कि 12 वर्ष की आयु में उन्होंने किया था, और वह भी प्रथम विवाह किसके साथ, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमति से। यह प्रकरण जो है वह आपको ध्यान में रखना है कि यह जानकारी इस पर वर्णित है कि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह का विवाह 12 वर्ष की आयु में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमति से हुआ। विशिष्ट बात यह है कि इसके चारुमति के पिता यानी किशनगढ़ के जो शासक है, इन्होंने इनका विवाह जो है वह औरंगजेब से तय किया था। औरंगजेब जो है इससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन चारुमति जो है वो एक मुस्लिम या मुगल शासक से विवाह करना नहीं चाहती थी। अतः इन्होंने जो है वो पत्र मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को लिखा, और राज सिंह जो है वो इस बात से जो है सहमत हुए, और उन्होंने जो है औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध जाकर चारुमति से विवाह कर लिया। और इससे जो है महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के मध्य जो है वह शत्रुता उत्पन्न हुई। वरना शुरुआत में ऐसा बताते हैं इतिहासकार कि औरंगजेब के सामंत के रूप में ही जो है वो शासन महाराजा महाराणा राज सिंह कर रहे थे, लेकिन इस घटना के पश्चात जो है वो औरंगजेब और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के बीच में शत्रुता हो गई। तो औरंगजेब से महाराणा की शत्रुता का उल्लेख भी इस पर किया गया है। इसके अलावा मेवाड़ के महाराणा प्रताप का मान सिंह से विवाद भी इस पर दिया गया है। महाराणा प्रताप और मेवाड़ आमेर के राजा मान सिंह के बीच में जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ है, हल्दीघाटी यह है युद्ध, पंद्रह सौ 76 ईस्वी में हुआ, और इस युद्ध की जानकारी भी इसमें वर्णित है। ठीक है, और जानकारी देना चाहूंगा आपको कि मान सिंह को अकबर ने महाराणा प्रताप को हल्दीघाटी के युद्ध से पहले दूत के रूप में, यानी मान सिंह जो है वो मुगल बादशाह अकबर के दूत के रूप में महाराणा प्रताप से मिलने के लिए गए कि महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले या संधि कर ले, लेकिन यह बात जो है वो महाराणा प्रताप को बिल्कुल भी रास नहीं आई। और जब मान सिंह महाराणा प्रताप ने मान सिंह की अगुवाई की और भोज के समय में महाराणा प्रताप वहां पर स्वयं उपस्थित नहीं हुए और अपने पुत्र अमर सिंह को वहां पर भेजा, तो इससे मान सिंह जो है उन्होंने अपना अपमान समझा और जो है वहां से उठकर चले गए। तो इस प्रकार की जानकारी जो है हमें देखने को मिलती है, और ये विवाद जो है वो भी इस पर वर्णित किया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि राज सिंह के कार्यों, राज सिंह के कार्यों एवं विजयों की जानकारी भी इस पर वर्णित हमें मिलती है। इसके अलावा जो है वह महाराणा राज सिंह की मृत्यु और राज सिंह की मृत्यु एवं उत्तराधिकारी जो है जिनका नाम हमें मिलता है जय सिंह, उनके औरंगजेब से महाराणा जय सिंह के की औरंगजेब से संधि की जानकारी भी इस पर वर्णित है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो बप्पा रावल से लेकर जगत सिंह तक का और मेवाड़ महाराणा राज सिंह तक का शासन काल इसमें दिया गया है। और विशिष्ट बात यह है कि अमर सिंह और जहांगीर के मध्य एक घटना हम इसमें और देखेंगे कि महाराणा प्रताप के कुछ
पुत्र अमर सिंह महाराणा प्रताप, जिनका शासनकाल जो है वो 1597 तक रहा, और उसके पश्चात जो है उनके पुत्र अमर सिंह गद्दी पर बैठे। और महाराणा प्रताप जो है वह 1597 जब दिवेर का युद्ध जो है वह विजित कर लिए थे, उसके बाद में जो है महाराणा प्रताप अपना शासनकाल अपने पुत्र अमर सिंह को सौंपकर जंगलों में चले गए थे। तो अंतिम दिनों में महाराणा प्रताप ने जंगलों में ही व्यतीत किया और अमर सिंह ने शासन संभाला। अमर सिंह के शासनकाल में प्रारंभिक रूप में से ही जो है जहांगीर उन्होंने महाराणा प्रताप अमर सिंह को बंदी बनाने के लिए दूत भेजे, और यह संघर्ष की जानकारी और साथ ही महाराणा अमर सिंह के द्वारा अंत में जहांगीर से जो है वो संधि की गई, जो कि 1615 ईस्वी में की गई। महाराणा अमर सिंह जो 1615 ईस्वी में संधि कर रहे हैं, ये संधि इतिहास में किसके साथ? जहांगीर के साथ कर रहे हैं। और यह जानकारी इस अभिलेख पर वर्णित है की गई है। ये इतिहास में मुगल मेवाड़ संधि के नाम से जानी जाती है। तो विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि राज प्रशस्ति से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जितनी भी जानकारी है मैंने इस अभिलेख पर आपको दे दी है, और उम्मीद करता हूं कि इसके बाहर कोई कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो एक प्रशस्ति हर्षनाथ प्रशस्ति, जो कि 973 ईस्वी के आसपास जो है वह हर्ष के पहाड़ यानी सीकर शहर में हर्ष के पहाड़ पर मिलती है। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रशस्ति चौहानों की जानकारी दे रही है। चौहान शासकों में विग्रहराज चतुर्थ के सॉरी विग्रहराज इतिहासकार द्वितीय बताते हैं कि विग्रहराज द्वितीय के द्वारा यह मंदिर का निर्माण करवाया गया और उस प्रशस्ति को लगवाया गया। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो 1612 ईस्वी का आमेर का जो शिलालेख है वह शिलालेख आमेर के राजाओं की जानकारी दे रहे हैं। तो मुख्य रूप से जो है हमने लगभग 13-14 प्रशस्तियां पढ़ी हैं। उम्मीद करता हूं कि यह आपको बहुत ही पसंद आएगी और यह आपको आगे आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ही मददगार साबित होगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें। धन्यवाद।